पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए राजस्थान अजय माकन इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। आइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने तीन शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकलेगा। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है, सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। सवाल है अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोग सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए।